अस्सलाम वालेकुम। हम सीख रहे हैं इंग्लिश और जर्मन स्टेप बाय स्टेप बेसिक से इंतहाई आसान तरीके से। लेसन नंबर है 206। हम सीखेंगे क्लोथिंग, तो चलते हैं देखते हैं क्या लेसन है आज। Nein, der Rock ist nicht fertig. Nein, der Rock ist nicht fertig. इसके माने होते हैं नहीं, स्कर्ट तैयार नहीं है। नहीं, स्कर्ट तैयार नहीं है। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे इस जुमले को? नो, द स्कर्ट इज नॉट डन। नहीं, स्कर्ट तैयार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। डी हुटे, डी हुटे इसके माने होते हैं टोपियाँ। इंग्लिश में बोलेंगे द हैट्स, टोपियाँ। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू से हैट्स? हैट्स को आप कैसे कहते हैं? हैट्स के माने होते हैं टोपियाँ, तो हैट्स को हम जर्मन में क्या बोलेंगे? हुटे, हुटे। आगे बढ़ते हैं। Ich mag nur Katzen. Ich mag nur Katzen. इसके माने होते हैं मुझे सिर्फ बिल्लियाँ पसंद हैं। इंग्लिश में बोलेंगे I only like cats. मुझे सिर्फ बिल्लियाँ पसंद हैं। आगे बढ़ते हैं। Die Schuhe. Die Schuhe इसके माने होते हैं जूते। इंग्लिश में बोलेंगे The shoes. आगे बढ़ते हैं। Ich trage ein Kleid und du trägst einen Rock. Ich trage einen Kleid und du trägst einen Rock. इसके माने होते हैं मैंने एक ड्रेस पहना हुआ है और आपने एक स्कर्ट पहना हुआ है। मैंने एक ड्रेस पहना हुआ है और आपने एक स्कर्ट पहना हुआ है। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे जुमले को? आई एम वेयरिंग अ ड्रेस एंड यू आर वेयरिंग अ स्कर्ट। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू से शूज? शूज़ को आप कैसे कहते हैं? शूज़ के माने होते हैं जूते, तो शूज़ को हम जर्मन में क्या बोलेंगे? शूए, शूए। आगे बढ़ते द शूज़, इसके माने होते हैं जूते, तो जर्मन में क्या बोलेंगे जूतों को? सही ट्रांसलेशन है ये, डी शूए, जूते। आगे बढ़ते पियर मैच करते हैं। वाइन को क्या बोलते हैं जर्मन में? वाइन। वंस के माने होता है एक बार, तो जर्मन में क्या बोलेंगे? Einmal. शर्ट के माने होता है कमीज, तो जर्मन में क्या बोलेंगे कमीज को? Hemd. शूज के माने होता है जूते, तो जर्मन में क्या बोलेंगे जूतों को? Schuhe. हैट्स के माने होता है टोपियाँ, तो जर्मन में क्या बोलेंगे टोपियों को? Hüte. Hüte. Die Schuhe. डी शूज़ इसके माने होते हैं जूते। इंग्लिश में बोलेंगे द शूज़। आगे बढ़ते पेयर मैच करते हैं। शूज़ को क्या बोलते हैं जर्मन में? शूए। कारपेट के माने होता है कालीन, तो जर्मन में क्या बोलेंगे कालीन को? टेपिश। फैमिली के माने होता है घराना, तो जर्मन में क्या बोलेंगे? फैमिलिए। पेंटिंग तस्वीर को कहते हैं, तो जर्मन में क्या होगा? बिल्ड। अस के माने होता है हम, तो जर्मन में क्या होगा? Uns. Uns. आगे बढ़ते हैं। Die Hüte sind rund. Die Hüte sind rund. इसके माने होते हैं टोपियाँ गोल हैं। टोपियाँ गोल हैं। इसमें जो डी हुटे हैं इसके माने टोपियाँ, जेंड के माने हैं गुंड माने गोल। टोपियाँ गोल हैं। इंग्लिश में बोलेंगे द हेड्स आर राउंड। टोपियाँ गोल हैं। आगे बढ़ते हैं। Ich trage ein Kleid und du trägst einen Rock. Ich trage einen Kleid und du trägst einen Rock. इसके माने होते हैं मैंने एक ड्रेस पहना हुआ है और आपने एक स्कर्ट पहना हुआ है। इंग्लिश में बोलेंगे आई एम वेयरिंग अ ड्रेस एंड यू आर वेयरिंग अ स्कर्ट। आगे बढ़ते Ich trage ein Kleid. Ich trage ein Kleid. इसके माने होते हैं मैंने एक ड्रेस पहना हुआ है। इंग्लिश में बोलेंगे आई एम वेयरिंग अ ड्रेस। आगे बढ़ते हैं, माइक नहीं चलेगा। तो ये तो था लेसन। अगले लेसन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।